नेक्स्ट क्वेश्चन है और लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हमें फाइंड करना है fx और लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 fx, जबकि जो फंक्शन दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है कि 2x plus 3 जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 है और यही फंक्शन 3 टाइम्स x plus 1 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो हम पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है और क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक्सेस है, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, हम एग्जैक्ट कर्व बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है कि एग्जैक्ट बन जाए हमारा, हम ये जानते हैं कि यहां पर फंडामेंटली इसका मतलब क्या है। देखो एक्स की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, एक्स इधर 0 से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन 0, तो y is equals to 3, x plus 3 बनाना है, 3x plus 3, तो हमने at random x की value 0, y की value 3 रख ली, 0, 3, फिर हमने यहाँ पर देखा कि y की value 0, तो x की value क्या आएगी, minus 1 आएगी, ठीक है, तो जो point जिससे line जा रही है ये वाली, वो कुछ ऐसे होगी, पर इधर का तो लेना नहीं है पार्ट, तो ये कर्व बना 3x plus 3 का, 0 से बड़ी है, तो 0 पर ये included नहीं excluded है, उसके बाद ही कहा जा रहा है कि आपको लाइन बनानी है y, ऐसे तो ये कर्व है, हर बार जरूरी नहीं कि हम कर्व बना ही पाएं, अगर कोई complicated कर्व दिया हुआ है तो हम जरूरी नहीं है, तो simple lines थी तो ये बन रही है, अगर कोई complicated कर्व है तो हम उसको इतनी जल्दी प्लॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वहां भी यही रहेगा कि भाई ये इंटरवल का मतलब क्या है। अब देखो यहां पर जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y 3 आ गया, जैसे यहां पर हमने, तो ये भी इसी पॉइंट से जा रहा है, 0 3 पॉइंट है ना, और फिर हमने जब y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू -3/2, जब y 0 है -3/2, यानी 1 से थोड़ा और बड़ा, -1 से बड़ा, तो ये शायद ऐसे कुछ जाएगी, 1 से बड़ी है तो पहले वाली वैल्यू से बड़ी होगी, ये ऐसे मान लो जाएंगे, एट रैंडम बना दी, ये सिचुएशन है इसी पॉइंट से पहले 2x plus 3, और हो सकता है उसके बाद डर जाए लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं। तो अब यहां पर ये कर्व है, ये जरूरी नहीं कि एक ही लाइन आ रही हो, तो ऐसे बना लेते हैं हम, 1 को थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ये पॉइंट है -3/2, 0, तो ये लाइन बन रही है ऐसे, तो ये कर्व है, ये कर्व, पर यहां पर ये वाला पॉइंट क्या है, इंक्लूडेड, तो डार्क कर देगा, ये सिचुएशन दी हुई है। तो ये पूछ रहा है कि यहां पर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x tending towards 0 निकालो, तो पहले देखो लिमिट जब x tending towards 0 fx निकालेंगे, ठीक है, तो हम दो तरीके से अप्रोच करेंगे, यहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहां x की वैल्यू 0 से छोटी है, यहां से इधर की तरफ जब मूव करेंगे, ठीक है, तो हम यहां इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमने लिया x is equals to 0, तो हम 0 को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, दो तरीके से, नंबर एक राइट हैंड से और दूसरा लेफ्ट हैंड से, तो हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं RHL, तो यहां पर जो पॉइंट होगा वहां पर वैल्यू 0 प्लस h होगी, और h क्या है, वेरी 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 स्मॉल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहां पर जब RHL निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 पॉजिटिव fx, अब 0 से अगर वैल्यू बड़ी है, ध्यान देंगे 0 से वैल्यू बड़ी ले रहे हैं, तो एक्सप्रेशन ये वाला लेंगे क्योंकि यहां पर ही तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो फंक्शन अब क्या लिया जाएगा, 3 ब्रैकेट x plus h, पर यहां हम लिमिट भी चेंज करना चाहते हैं, तो लिमिट ही बदल लो, 0 plus h है, x tending towards 0, जैसे जैसे x की वैल्यू 0 होगी, देखिएगा, तो यहां पर इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x minus 0 is h, जैसे ये 0 होगा, ये वैल्यू भी तो 0 आएगी,
अब लिखेंगे h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, क्योंकि हुई नहीं है जीरो, जीरो हो जाए तब तो h भी जीरो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे x टेंड्स करेगा टूवर्ड्स जीरो, h टेंड्स टूवर्ड्स जीरो। तो यहां पर इस पॉजिटिव लिमिट को लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, पॉजिटिव मतलब राइट हैंड वाली, और f x की जगह पर क्या रखेंगे, x इज जीरो प्लस h पर फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड जीरो थ्री जीरो प्लस h और जीरो प्लस h प्लस वन। अब इसमें लिमिट सॉल्व करनी है डायरेक्ट मेथड से h टेंडिंग टूवर्ड जीरो, तो ये आ जाएगा जो सब जीरो हो गया थ्री, हमारे पास आर एच एल निकल कर आ गया थ्री, आर एच एल वैल्यू होगी थ्री। अब क्या करें, एल एच एल भी निकालें, क्योंकि यहां पर क्या है कि फाइन एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ एक्स। अब ये पहले से पता है कि लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों एग्जिस्ट करेंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू थ्री होगी, लेकिन हम इसकी एल एच एल भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे या कोई क्वेश्चन आगे तो वो हेल्पफुल होगा, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू तो हम थ्री निकाल ले गए, लेकिन एल एच एल भी निकालते हैं। देखिए एल एच एल के लिए हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिटा देते हैं, इसका मतलब तो समझ में आ गया। देखिए जब हम यहां पर एल एच एल निकालेंगे तो ये यहां कहीं नेबरहुड में पॉइंट होगा जीरो माइनस एच, और लिखा क्या जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड जीरो माइनस एफ एक्स। अब फंक्शन कौन सा लोगे, जीरो।